दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे एक वोल्टास कंपनी का ग्रांड 52 लीटर एयर डिज़ायर कूलर। दोस्तों, वोल्टास जो है टाटा वालों का प्रोडक्ट है और टाटा के जो भी प्रोडक्ट होते हैं बहुत ही बेहतरीन होते हैं और उनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। तो आइए जल्दी से करते हैं हम इसका अनबॉक्सिंग और देखते कैसा है ये हमारा कूलर। पैकिंग दोस्तों इस एयर कूलर की बहुत अच्छे से की गई है इसकी सेफ्टी को देखते हुए, और इस एयर कूलर को दोस्तों मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा है। आप इसको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से खरीद सकते हैं। जहां आपको प्राइस सही लगे दोस्तों आप वहां से खरीद सकते हैं। दोस्तों कलर की बात करें तो वाइट कलर का कूलर है दोस्तों ये। लेफ्ट राइट एंड बैक साइड से वाइट कलर हमको मिल जाता है और फ्रंट साइड पर हमको ग्रे कलर मिल जाता है। तो ग्रे एंड वाइट कलर का ये हमारा कूलर है। और दोस्तों जो वाइट कलर की प्लास्टिक होती है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक होती है। इस कूलर की प्लास्टिक की जो क्वालिटी है दोस्तों वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मजबूत है, क्योंकि पहले से एक कूलर मेरी फैमिली में ये है इसलिए हमने ये दूसरा पीस मंगवाया है। पैकिंग आप दोस्तों देखेंगे पूरा लेमिनेशन होके आया है, तो इसको चेक तो नहीं किया नया लेते टाइम, लेकिन पहले से एक कूलर है तो मुझको पता है इसकी स्पीड बहुत ही बेहतरीन है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। साथ में दोस्तों हमको इस तरह ये यूज़र मैनुअल बुक मिल जाता है। इसमें जो चार मॉडल आते हैं ग्रांड सीरीज के उनके बारे में लिखा हुआ है। आप इसको अच्छे से पढ़ लें कैसे ये हमारा कूलर काम करता है और इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। तो आप इसको पहले पढ़ लें, इसके बाद आप इस कूलर का इस्तेमाल करें। दोस्तों वैसे तो वोल्टास के और भी नए मॉडल मार्केट में आ गए हैं, पर यह जो ग्रांड सीरीज के मॉडल हैं दोस्तों इसको मैंने दोबारा इस वजह से लिया है क्योंकि इनकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही बेहतरीन है और इनको यूज़ करना बहुत ही आसान है। आसानी से आप इनको क्लीन कर सकते हैं, आसानी से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैंने नया मॉडल नहीं लिया है क्योंकि ये एक मॉडल ऑलरेडी मेरे पास था। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी दोस्तों, इसलिए दोस्तों मैंने ये दोबारा इसी मॉडल को सिलेक्ट किया है। और इस कूलर को दोस्तों आप इन्वर्टर से भी यूज़ कर सकते हैं, 190 वाट टोटल करंट ये लेता है। दोस्तों इस मॉडल में आपको रिमोट कंट्रोल वेरिएंट भी मिल जाता है। इसके टोटल चार मॉडल हैं, ग्रांड 52, ग्रांड 72। यह इसकी टैंक की कैपेसिटी है, लीटर मान लीजिए आप, ग्रांड 52 लीटर और 72 लीटर। इसमें दोस्तों ग्रांड 52E और ग्रांड 72E लगा है। ई मॉडल दोस्तों रिमोट कंट्रोल हमको साथ मिल जाता है जिसमें एक डिस्प्ले और रिमोट कंट्रोल मिलता है। पर दोस्तों रिमोट कंट्रोल मॉडल अगर आप लेते हैं ई सीरीज का तो उसमें आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ जाते हैं। देखिए दोस्तों देखने में हमारा कूलर कुछ इस तरह से दिखाई देता है, बहुत ही अच्छा लुक है इस कूलर का। फ्रंट में यहाँ पर हमको ऑन ऑफ कूलिंग ऑप्शन मिल जाता है जिससे कि आप इसका पंप ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों स्पीड कंट्रोलर मिलता है जिसमें आपको 3 स्पीड मिल जाती हैं, लो, मीडियम, हाई। और इसके बाद दोस्तों आपको स्विंग कंट्रोल मिलता है जिससे आप कूलर की स्विंग लेफ्ट और राइट जो एयर थ्रो जाता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये टाटा प्रोडक्ट ग्रांड मॉडल इसका लिखा हुआ है। इस कूलर में दोस्तों जो पंखड़ी लगी हुई है अंदर साइड आप देख रहे होंगे वो एग्जॉस्ट जो होते हैं एग्जॉस्ट टाइप की पंखड़ी लगी हुई है जिसका एयर थ्रो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। सादा जो एक किट वाली पंखड़ी नहीं है दोस्तों, एक हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट टाइप की जो है पंखड़ी लगी हुई है। इस कूलर का एयर थ्रो दोस्तों आप लेफ्ट राइट स्विंग करने के अलावा अप और डाउन, ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं, जिसके लिए साइड में 2 बटन मिल जाते हैं ये देखिए। इससे आप अगर आप नीचे लेट रहे हैं ज़मीन पर तो आप इसको नीचे कर सकते हैं एयर थ्रो को, और अगर आपके बेड में लेट रहे हैं बेड की ऊँचाई हाइट ज़्यादा है तो आप इसको ऊपर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो हवा है वो आपको सभी तरफ लगेगी, एक कोने से दूसरे कोने तक, ऐसा नहीं है कहीं पे हवा लग रही कहीं पे नहीं लग रही। दोस्तों इसका जो टैंक है आप देखेंगे मिनिमम 2 मैक्सिमम, यहाँ पर जो है एक ट्रांसपेरेंट टैंक दिया गया है, पानी जो आपको दिखता रहेगा कितना बचा है। और दोस्तों इसके जो व्हील है ये व्हील इनको हम लगा देते हैं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के व्हील है, बहुत ही मजबूत व्हील है, इनको लगाना दोस्तों बहुत ही आसान है। नीचे इसका जो है खांचा बना हुआ है, आप सीधे बस कोई बुल्ट नहीं ऐसे लगा के ठोक देंगे अंदर साइड, ना पेंच लगाना ना कोई बुल्ट लगाना, और ये बहुत अच्छी ग्रिप है, अच्छे से सेट हो जाते हैं। बाकी दोस्तों आप जब इसमें टैंक में पानी भरेंगे और इनके ऊपर लोड आएगा पानी का वजन तो ये ऑटोमेटिक ही अपनी जगह पर सेट हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके पहिए हमने कूलर के लगा दिए हैं और पहियों की क्वालिटी दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही स्मूथली है रन कर रहा है, आप इसको लेफ्ट राइट कहीं भी मूव कर सकते हैं। बैक साइड आप देखेंगे दोस्तों आपको हनीकॉम मिल जाता है जिसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। ऊपर साइड दोस्तों आपको 3 बोल्ट दिख रहे होंगे जिनको आप हाथ से खोल के इसके बैक साइड का पैनल आसानी से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ आपको वाटर इनलेट पानी डालने के लिए मिल जाता है। साइड में दोस्तों आप देखेंगे साइड में भी हनीकॉम का साइज काफ़ी बड़ा है, छोटे साइज के नहीं है, इस वजह से दोस्तों इसकी कूलिंग बहुत ही बेहतरीन होती है। दोस्तों इस एयर कूलर का जो प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो प्राइस है दोस्तों वो 9595 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाता है। और दोस्तों इसके ऊपर का मॉडल आप लेंगे या ऑनलाइन लेंगे तो इसके प्राइस बढ़ जाएंगे।
इस कूलर को ख़रीदने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्राइस थोड़े से ऊपर और नीचे हो सकते हैं। ये दोस्तों जो ऊपर साइड आपको तीन प्लास्टिक के बोल्ट दिख रहे होंगे, इनको आप आसानी से हाथ से ही खोल के इसके बैक पैनल को रिमूव कर सकते हैं। यही इसकी एक खास बात है, जिसको आपको क्लीन करना हो तो आसानी से आप इसको रिमूव कर लेंगे। अंदर साइड आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। और जो इसका दोस्तों ये पंखड़ी आप देखेंगे, एग्जॉस्ट टाइप की पंखड़ी है। इससे जो है एयर थ्रो बहुत ही फास्ट जाता है, बहुत ही तेज जाता है। ये दोस्तों ऊपर देखेंगे आप, इसके पानी का पाइप प्लास्टिक का है। इसकी क्वालिटी दोस्तों बहुत अच्छी है और इसको क्लीन करना भी बहुत ही आसान है। तो अंदर साइड से आप देखेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा कूलर दिखाई देता है। कनेक्शन और दोस्तों इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप पीछे दोस्तों, ये रबड़ के इसके जो बोल्ट हैं, ये रबड़ के कैप टाइप के लगे हैं। जो इसके बोल्ट हैं मोटर के, उसमें पानी या सीलिंग ना जाए, इस वजह से यह जो है रबड़ के लगे हुए हैं कैप। इसका दोस्तों जो स्ट्रक्चर है, ये जो फ्रेम है दोस्तों, ये बहुत ही मजबूत होता है। आप देख सकते हैं हैवी ड्यूटी प्लास्टिक से बना हुआ होता है। और नीचे के साइड दोस्तों आपको पंप दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी छोटे साइज का पंप है। और इसका जो है वोल्टास की कंपनी का ये पंप इसमें लगा हुआ है। तो दोस्तों इसका जो बैक पैनल है, इसको हटाना और लगाना बहुत ही आसान है। आप भी इसको आसानी से हटा सकते हैं और लगा सकते हैं, ये इसकी खास बात है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, सफाई करना है, जो भी करना है, इसको आप आसानी से केयर कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो हमें केबल मिलती है, जो डोरी मिलती है, इसकी क्वालिटी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होती है। और इसकी लंबाई जो लेंथ है दोस्तों, वो भी 2.5 से 3 मीटर के आसपास होती है। और इसकी क्वालिटी दोस्तों बहुत ही अच्छी होती है। इस पिक्चर में कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको आप देख लेंगे। बाकी कुछ फीचर्स यहाँ पर दिए हैं, जिनको आप पढ़ लेंगे। अब दोस्तों हम इस कूलर को ऑन करके चालू करके भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसका पंप जो है टिल्लू, वो चालू कर दिया है और पानी एकदम बराबर देखिए आप आ रहा है। यह दोस्तों इसका स्विंग का ऑप्शन है, इससे जो है इसका आप स्विंग ऑन करेंगे तो आपकी जो हवा है, इसका जो एयर थ्रू है कूलर का हवा का, वो लेफ्ट और राइट होता रहता है। तो लेफ्ट और राइट इसकी हवा जाती है इससे। बाकी दोस्तों अगर आपको ऊपर और नीचे भी हवा चाहिए तो वो भी ऑप्शन इस कूलर में आपको मिल जाता है। दोस्तों हम इसकी स्पीड चेक करेंगे, यह अभी लो पे है। अब दोस्तों इसको हम मीडियम पे करेंगे और अब दोस्तों इसको हाई पे करेंगे। तो इसलिए दोस्तों इसलिए बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ही अच्छा एयर थ्रो है इसका। दोस्तों यह एक इसका जेट मैक्स मॉडल है, आपको इसके इसी प्राइस रेंज में मिल जाता है। पर दोस्तों अगर आप जेट मैक्स आपको डीलर दिखा रहा है, आप देख रहे हैं, तो एक बार ग्रांड आप ज़रूर देख लें, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी में, मजबूती में ग्रांड जो है जेट मैक्स से 20 ही बैठेगा, 19 नहीं बैठेगा, ये मैं आपसे बता देता हूँ। क्योंकि इसकी जो बॉडी है प्लास्टिक पूरी प्योर वाइट है और अच्छी क्वालिटी की है, और जेट मैक्स मॉडल दोस्तों वो जो है मिक्स है, प्लास्टिक की क्वालिटी जो है पूरी प्योर वाइट नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाले नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।